दोस्तों आज हम करने वाले बियर्ड पर केराटिन ट्रीटमेंट। दोस्तों इस केराटिन ट्रीटमेंट को फॉलो करके आप हेयर पर भी इसी तरीके से केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हो। किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप फुल ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको शैम्पू करना है, तो शैम्पू करने के लिए क्लेरिफाइंग शैम्पू का यूज़ करना है, जिसे एंटी रेसिड्यू शैम्पू भी कहते हैं, उसी शैम्पू का यूज़ करना है। ये शैम्पू हमारे बालों का पीएच लेवल बैलेंस रखता है और हमारे बालों का जो भी डर्ट है बिल्कुल अच्छे से क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये शैम्पू, जिससे हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से होगा। शैम्पू करने के बाद आपको कूल पर रख के आपका ब्लू ड्रायर से आपको पूरी बालों को, आपकी जो भी बियर्ड है, आप हेयर पर यूज़ कर रहे हो तो हेयर को अच्छे से सुखा लेना। अभी मैं बियर्ड को सुखा लिया, अब देख सकते हो स्क्रीन पर ये केराटिन ट्रीटमेंट है जो सेकंड स्टेप होता है हमारा। तो हम केराटिन ट्रीटमेंट को एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। दोस्तों केराटिन ट्रीटमेंट आप जब भी बाउल के अंदर निकालो, एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं निकालना है, आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेकर ही निकालना है। ये क्रीम को यूज़ करते वक्त आपके हाथ पर, हैंड पर ये नहीं लगना चाहिए, वरना आपके हेयर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपको कॉम्ब की मदद से लगाना है, या आप अगर हाथों से लगाते हो तो आपको ग्लव्स पहन लेना, उसके बाद इसको लगाना है, या आप डाई ब्रश से डायरेक्टली इस तरीके से लगा सकते हो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं इस क्रीम को, केराटिन प्रोडक्ट को, सेकंड नंबर जिसे हम कहते हैं, इस क्रीम को लगाते वक्त आपको बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से बालों में पेनिट्रेट हो इसीलिए हमें थोड़े बालों को आगे पीछे करना है और लगाते रहना है। तो कुछ इस तरीके से पूरी क्रीम बालों पर, यानी कि हम बियर्ड पर यूज़ कर रहे हैं, बालों पर भी यूज़ कर सकते हैं, सेम मेथड रहेगी। इसी तरीके से आपको पूरे बालों पर या बियर्ड पर इस तरीके से आपको क्रीम को, केराटिन क्रीम को लगाए रखना है। अभी हम पूरे बालों पर ये क्रीम को लगा लेंगे, उसके बाद क्या प्रोसेस करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप इस चैनल पे पहली बार हो तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि न्यू वीडियो जो आने वाले अच्छे अच्छे कंटेंट वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो अभी ये जैसे आप देख सकते हो पूरे प्रोसेस में ये दाढ़ी पर, यानी हम बियर्ड पर यूज़ करें केराटिन ट्रीटमेंट को, तो पूरे बालों पर यानी ये बियर्ड पर लग चुकी है केराटिन ट्रीटमेंट। इस क्रीम को 30 मिनट तक लगाए रखना है, चाहे तो आप प्लास्टिक की कवर करके बालों को रख सकते हो ताकि आपको अच्छे से और रिजल्ट मिले। तो 30 मिनट बाद हमने दाढ़ी को सुखाना है, तो अब हीट पर रख के आप ब्लो ड्रायर जो यूज़ करते हो उसको हीटिंग पर रख के, मीडियम हीट पर रख के सुखा लेना। तो कुछ इस तरीके से मैं कॉम्ब की मदद से पूरी बियर्ड को सुखा ले रहा हूँ। तो अब हमने इस बियर्ड को ब्लो ड्रायर की मदद से हीट पर रख के बिल्कुल अच्छे से सुखा लिया है। अब हमें यूज़ करना है हेयर स्ट्रेटनर का। हेयर स्ट्रेटनर का टेम्परेचर की बात करें तो मैंने 220 का सेल्सियस रख के मारा हो, क्योंकि ये बियर्ड है, काफ़ी सेंसिटिव हेयर है, काफ़ी करली होते हैं बियर्ड के हेयर, इसीलिए हमने हाई टेम्परेचर पर रख के बियर्ड पर हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ किया है। इसमें कोई स्टेप मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बियर्ड को स्ट्रेट करना है। कैसे भी अगर आप हेयर पर यूज़ कर रहे हो तो क्लिप का यूज़ करना पड़ेगा, हेयर क्लिप का, ताकि अच्छे अच्छे सेक्शन लेके आप बालों को स्ट्रेट कर पाओ। तो अभी मुझे कोई क्लिप लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ बियर्ड को ऐसे ही स्ट्रेट कर दे रहा हूँ। 12 से 15 बार एक ही लेंथ पर रख के हमें हेयर को स्ट्रेट करना, तभी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वरना आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलने वाले। तो फटाफट से हम बियर्ड को स्ट्रेट कर रहे हैं। अभी थोड़े साइड के ही बाल को स्ट्रेट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव हेयर है तो हमें बार बार हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हो स्क्रीन पर काफ़ी अच्छी चमक बियर्ड पर आ रही है। तो ये जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये पहले के बाल किस तरीके से थे, सॉरी ये बियर्ड है, हम बियर्ड स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, तो ये बियर्ड काफ़ी करली थी, नॉर्मल कर ली थी फिर भी हम कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी इधर उधर थे बाल। अब भी जो आप रिज़ल्ट देख रहे हो आफ्टर ट्रीटमेंट का, काफ़ी अमेजिंग दिख रहे, काफ़ी अच्छे लुक में बियर्ड दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप बियर्ड को स्ट्रेट कर सकते हैं, आप बाल पर भी ट्राई करके स्ट्रेट कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई नहीं बताता जल्दी से, कि ये बियर्ड का जो रिज़ल्ट है आफ्टर वॉश करने के बाद जब आप बालों में शैम्पू करोगे तो ये बियर्ड थोड़ी सी रिज़ल्ट आपको खराब देखने को मिलेंगे, यानी कि आपके वेव्स आएंगे।